बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमें शऊर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हमने ऑफिशियल विज़िट किया। वहाँ पे हमें एक बाजी मिली जिन्होंने हमसे बात की कि हमें तालीम के लिए यहाँ स्कूल चाहिए, बच्चियों का स्कूल नहीं है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि पहली दफ़ा किसी ने अपनी ज़रूरियात या उन मसाइल को हल कराने की बजाय बच्चों के मसाइल को जागर किया, जो यहाँ का सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पर वो हमारे साथ मौजूर अहमद खोसा साहब मौजूद हैं, जो यहाँ के मकामी रहनुमा भी हैं और शऊर वेलफेयर फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर भी हैं। यहाँ बाजी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या चाहती हैं और कैसे मैनेज कर पाएंगी। जी बताइए बाजी, आपका नाम क्या है, आप क्या चाह रही हैं यहाँ? साहिदा गुल मेरे नाम है सर। मैं जब आपसे मिली थी स्कूल के बारे में, जी 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 सर, मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये देखो कितनी बच्चियाँ मेरे गांव में तालीम से महरूम है, अगर आप मेहरबानी करके कोई स्कूल यहाँ देंगे तो मैं इन बच्चों को कुछ पढ़ाऊँ, कुछ सीखेंगी, आपको दुआएं देंगी। ये देखो कितनी बच्चियाँ, यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है? नहीं सर, नहीं है, लड़कियों की कोई स्कूल नहीं, लड़कियों का स्कूल नहीं है। तो कितने बच्चियाँ हो जाएंगी जो यहाँ पढ़ सकती हैं? सर तकरीबन 50 के लगभग इंशाल्लाह होंगी, 50 के करीब। और आप इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, यहाँ पढ़ा लेंगे अगर हम स्कूल बनाते हैं, फिर ऐसा ऐसा इंशाल्लाह उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, या मुखैर हजरात हमारी बात सुन रहे हैं, कोई यहाँ पे हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा देता है या स्कूल के लिए एक अच्छा सिस्टम बन जाता है, तो इससे क्या इस इलाके के बच्चों को फायदा होगा? जी सर बिल्कुल होगा। बच्चों आप पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं, बताएं आप, बच्चियों बताएं।